टॉप मॉडल जनरल महिंद्रा हमने सुधा, पुराना पार्ट हटके नया पार्ट लग जाता है। आप गाड़ी में बैठे बैठे मिरर का स्विच लगा दिया हमने, देखो टॉप मॉडल वाला मिरर स्विच। आप ये देखेंगे टेलाइट लगा दिया जो कि जनरल महिंद्रा पार्ट आता है, साथ में रियर रिफ्लेक्टर्स लगा दिया, साथ में रियर ABS गार्ड लगा दिया। ब्लैक एंड रेड की थीम गाड़ी में दिया गया है, इसलिए ब्लैक रेड आपको इसमें कंट्रास्ट लगाया गया जो कि जनरल महिंद्रा पार्ट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी आप लोगों के सामने रहने वाली वो रहेगी भी XUV 300 W4 मॉडल रहने वाला है। देखो न्यू लोगों के अंदर W4 बेस मॉडल रहने वाला है। आपको खैर बेस से एक अबव मॉडल हो गया है। लोकल गाड़ी दिल्ली की हमारे पास भैया इंद्रप्रस्थ, मतलब लोकल दिल्ली की गाड़ी है। लगभग सारा काम होने वाला है, एक अच्छा काम होने वाला है, डिसेंट काम होगा, जो आपको चाहिए वही काम होगा। जैसे कि हम भैया देखो इस गाड़ी में हम हेडलाइट चेंज नहीं करेंगे, हेडलाइट में हम लगाएंगे LED, फॉगलाइट लगाएंगे, फॉगलाइट में DLL लगाएंगे और नीचे भी एक LED, मतलब लाइट का सेटअप एक अच्छा होने वाला है। साथ में फॉगलाइट और हेडलाइट में LED का हो जाएगा, लाइट एक अच्छा थ्रू रहेगा। साथ में चलेंगे भैया तो गाड़ी के अंदर एक ORVM आपको होता है, मैनुअल आता है इसके अंदर, ऐसा आता है तो ORVM चेंज कर देंगे, इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। साथ में बोला 360 जो डिग्री था XUV 300 में हमने लगाना स्टार्ट किया, तो इसके अंदर हम XUV 300 में 360 डिग्री सेटअप भी करने वाले, वो भी एक अच्छे सिस्टम के साथ। एक रेन वाइजर लगा देंगे गाड़ी के अंदर की आप तरफ आएंगे तो गाड़ी में फ्लोरिंग हो चुकी है, देखो प्रॉपर क्रोकोडाइल फ्लोरिंग हो चुकी है। मैं आपको इसकी फिट एंड फिनिश लास्ट में दिखाऊंगा। साथ में सीट को लगा दिया थाई सपोर्ट के साथ। रियर में आप जाएंगे तो रियर में भी सीट को लग चुका है। अभी भैया हमारे सिस्टम पे काम चल रहा है, डैम्पिंग में काम चल रहा है। आप देखेंगे डुअल डोर डैम्पिंग होने वाली है, डबल लेयर की साउंड ग्लास की गोल्ड सीरीज के अंदर। साथ में जो बैक साइड में काम होगा इसके रिफ्लेक्टर्स पे रहने वाला है, वो हो चुका है आप देखोगे तो। ठीक है भैया, रियर ABS गार्ड पे काम होगा, रियर पार्सल ट्रे पे काम होगा, आमने सामने लग चुका है आप देखेंगे यहाँ से बैक साइड से, तो आमने सामने इंस्टॉल कर दिया ऑलरेडी। टॉप मॉडल जनरल महिंद्रा आमने सुधा, पुराना पार्ट हटके नया पार्ट लग जाता है। XUV 300 कोई भी पार्ट आपको चाहिए तो आपको हमारे पास एनी टाइम अवेलेबिलिटी रहती है, हर वक्त अवेलेबिलिटी रहती है हर चीज़ की जो भी आपको चाहिए। डैम्पिंग में काम होगा, अभी सेंटर लॉक पे काम चल रहा है, RD ब्रांड का यूज़ होता है। RD आपको पता है जेन्युइन महिंद्रा में भी RD ही लगा के देते हैं लोग। एक बार कंप्लीट करने देते फिर आपको गाड़ी ओवर थ्रू दिखाऊंगा, क्या काम हुआ था, कैसे हुआ, क्या कितनी कॉस्टिंग आई भैया की, सब चीज़ बताएंगे आपको। भैया हमारी XUV 300 का सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी का फ्रंट लुक देखो ये रहने वाला है, क्या बन के आई थी, क्या बन के जा रही है। सबसे पहले हमने इसमें लगाया हेडलाइट के अंदर LED 250 वॉट की जो कि ब्लू जोन की रहने वाली है, जिसकी 30 महीने की वारंटी आएगी। साथ में फॉगर में DLL लगाया है, ये ब्रांड है भैया वॉलमैक्स का। जब भी आप हेडलाइट चेंज नहीं करवाते तो हम ये DLL जो है वो आफ्टर मार्केट ही लगाएंगे। एक महिंद्रा जेन्युइन फॉगर लगा दी भैया गाड़ी में, उस पर भी हमें 80 वॉट की 90 वॉट की LED लगा दी है। अगर गाड़ी की लाइट का रिस्पॉन्स आप देखोगे तो ये रहने वाला भैया लाइट का रिस्पॉन्स, सामने देखेंगे तो ये लाइट का रिस्पॉन्स रहेगा। आपको नीचे ज़्यादा लाइट रहेगी क्योंकि गाड़ी जो अभी खड़ी है थोड़ी इस डायगोनल में खड़ी है, ऐसे खड़ी है हमारी, इस फेज में खड़ी है, इस लाइट का रिस्पॉन्स ज़्यादातर नीचे है। बाकी गाड़ी में लाइट की कमी नहीं होगी, गाड़ी में लाइट एक अल्टीमेट हो चुका है। साथ में एक ABS गार्ड लगा दिया फ्रंट का आप देखोगे तो। भैया नीचे वाला हमारा जो OEM आता है यही टाइप आता है, OEM साइज ही लगा के दिया है भैया को। फ्रंट ABS गाड़ी थोड़ी बहुत सेफ्टी भी कर देगा, बाकी लुक में भी इन्हांसमेंट हो जाती है गाड़ी के अंदर। फ्रंट से यही काम है, फॉगलाइट DLL हेडलाइट में LED, फॉगलाइट में LED, कंप्लीट लुक ही रहेगा गाड़ी का कंप्लीशन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट। साथ में जो गाड़ी में काम हुआ भैया 360 डिग्री कैमरे पे हुआ है। आपको पता है फ्रंट कैमरे की जो प्लेसमेंट हो यहाँ रहने वाली है, देख लो ये कैमरा लगाया हमने फ्रंट कैमरा जो कि 1080 पिक्सल के अंदर लगाया गया। बाकी मैं और कैमरे भी आपको दिखाऊँ कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट हुई थी। फ्रंट कैमरा बिल्कुल OEM पोजीशन पे हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो सबसे पहले गाड़ी में जो काम है उसकी ORVM पे हुआ है। आपको पता है W4 W6 पे जो मिरर आता है हमारा मैनुअल आता है, हमने इसका मिरर चेंज कर दिया है। अगर आप गाड़ी कर देंगे लॉक मिरर हमारा फोल्ड, अगर आप गाड़ी कर देंगे अनलॉक तो मिरर हमारा अनफोल्ड हो जाता है भैया। यही इस मिरर की खासियत है कि जैसे ही आप गाड़ी जाएंगे तो गाड़ी लॉक कर दो मिरर हमारा फोल्ड हो जाएगा, मिरर हमारा अनलॉक कर दो, गाड़ी अनलॉक कर दो मिरर हमारा अनफोल्ड हो जाएगा, जो एक अच्छी गाड़ी में आता है।
साथ में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मिरर तो आपको कोई भी लगा देगा, इसका स्विच जो होता है वो मेन होता है। आप गाड़ी में बैठे बैठे मिरर का स्विच लगा दिया हमने, देखो टॉप मॉडल वाला मिरर स्विच, गाड़ी में फोल्ड कर दो आप, ये फोल्ड हो गया। एक सिंगल स्विच से आप बैठे बैठे गाड़ी के दोनों मिरर फोल्ड अनफोल्ड कर दो, अनफोल्ड हो गया। जो एडजस्टिंग थी भैया वो तो पहले भी थी, वो अभी भी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यार देखो कि मिरर एडजस्ट हो रहा है, वो पहले भी जैसा था वैसे ही रहेगा, पहले भी एडजस्ट होता था अभी भी एडजस्ट होता रहेगा। गाड़ी के साइड से जो काम होता है इसके मिरर पे रहने वाला ओआरवीएम पे जो कि वो चेंज हुआ था, साथ में एक रेन वाइजर लगाया भैया गाड़ी में, ब्लैक में क्रोम लाइन लगाया महिंद्रा की बैजिंग के साथ, क्रोम यहाँ पे मिल जाएगा कोई इंसर्ट्स यहाँ पे, ठीक है भैया। साथ में साइड बिटिंग लगाई है फुल क्रोम के अंदर, आप अगर डब्ल्यू फोर में व्हील कवर नहीं आते इसलिए व्हील कवर लगा के दे भैया, न्यू लोगों के अंदर, न्यू लोगों के अंदर जेन्युइन महिंद्रा का व्हील कवर। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है लेकिन जब भी होते हम आपको करवा के देंगे हमेशा। रिम ब्लैक किए, व्हील कवर लगा दिए भैया की जेन्युइन महिंद्रा, जो भी पार्ट जेन्युइन महिंद्रा अवेलेबल हो सकता है वो आपको जेन्युइन महिंद्रा ही लगाएंगे, जो आफ्टर मार्केट है उसकी तो बात ही नहीं है भैया, ठीक है। गाड़ी के बैक साइड में चलते हैं अपन, अब गाड़ी के बैक साइड से जो गाड़ी में काम सबसे लेकिन स्पॉइलर पे रहेगा जो कि भैया ब्रांड रहेगा वेलकम का, साथ में एक टेल लाइट लगाया गया है, आप ये देखेंगे टेल लाइट लगा दिया जो कि जेन्युइन महिंद्रा पार्ट आता है, साथ में रियर रिफ्लेक्टर्स लगा दिया, साथ में एक रियर एबीएस गार्ड लगा दिया। गाड़ी के बैक साइड से गाड़ी का कंप्लीट लुक चेंज हो चुका है, रियर स्पॉइलर, रियर टेल लाइट, रिफ्लेक्टर और एक एबीएस गार्ड, पूरा कंप्लीट लाइट हो गया है। जो डब्ल्यू एट में आता है सेम लुक हो गया गाड़ी के बैक साइड से। साथ में 360 की जो बैक कैमरे की प्लेसमेंट की गई है वो ओईएम यहाँ पे की गई है, अगर देखेंगे तो प्रॉपरली की गई है यहाँ पे 360 के कैमरे की बैक कैमरे की प्लेसमेंट। जो साइड कैमरे की प्लेसमेंट की गई है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैमरा जो लगाया गया है शीशे पे लगाया गया, आप यहाँ पे देख लो प्रॉपरली, ये ऐसे निकलने वाला कैमरा नहीं है, प्रॉपर ड्रिल होकर लगता है, कोई जुगाड़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, प्रॉपरली लगेगा। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर जो सबसे पहले काम होता है गाड़ी के अंदर डैम्पिंग हुई है भैया, डबल लेयर की हुई थी, गोल्ड सीरीज के अंदर हुई थी, अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का साउंड जो है बहुत प्रूफ हो चुका है, बहुत अच्छी डैम्पिंग हो गई है गाड़ी के अंदर। साथ में ब्लैक एंड रेड की थीम गाड़ी में दिया गया है, तो इसलिए ब्लैक रेड आपको इसमें कंट्रास्ट लगाया गया जो कि जेन्युइन महिंद्रा पार्ट है। ये पूरा 9 पीस का सेट आता है जो कि महिंद्रा जेन्युइन ही आता है, हमने वही लगा दिया। 4 हमारे पावर विंडोज लगा दिए, 2 हमारे एसी वेंट्स लगा दिए, जेन्युइन महिंद्रा का देखो ये पहचान होती है भैया, वो लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। दोनों एसी वेंट, बाकी सिस्टम का पूरा पैनल दिख जाएगा आपको। ये 9 पीस का सेट आता है जो जेन्युइन महिंद्रा पार्ट है, जिसकी एमआरपी जो थी 5500 रुपये, तो उस पर लेस होता है आपके, जो भी आपका लेस होगा 20% का। साथ में इनर हैंडल लगा दिया, टॉप मॉडल में इनर हैंडल हमारा क्रोम आता है, बहुत अच्छा लुक आता है भैया इनर हैंडल।